गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आइदर और नाइदर नॉर के कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आइदर और नाइदर नॉर में हमें क्या करना होगा, हम देखेंगे कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूज़न दिया हुआ है, ये पहला कंक्लूज़न, ये दूसरा कंक्लूज़न। ठीक है, यहाँ कोई स्टेटमेंट दिया होगा, ये कंक्लूज़न पहला, ये कंक्लूज़न दूसरा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एक सही एक गलत आता था तो ओनली फर्स्ट फॉलो हम करते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा सही हो जाता था और पहला गलत हो जाता था तो हम करते थे ओनली सेकंड फॉलो। उसके बाद अगर दोनों कंक्लूज़न फॉलो करते थे तो हम बोथ और फॉलोस करते थे। अब बचा कौन सा था हमारा, आइदर और का कॉन्सेप्ट और नाइदर नॉर, मतलब इसमें दोनों गलत। ठीक है, और मैंने बोला था दोनों गलत क्या होते हैं, आइदर और में भी आते हैं दोनों गलत। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसका आइदर और होगा कि नाइदर नॉर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि कंक्लूज़न फर्स्ट भी गलत आ गया, कंक्लूज़न सेकंड भी गलत आ गया। ठीक है, तो जैसे ही कंक्लूज़न दोनों गलत आए मेरे, मैं सबसे पहले चेक करने चलूँगी आइदर और को। ठीक है, अगर आइदर और की कंडीशन को अगर ये दोनों कंक्लूज़न फॉलो कर रहे होंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, ये आइदर और हो जाएगा। और अगर ये दोनों कंक्लूज़न आइदर और की कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, नाइदर नॉर। ठीक है, कि बोथ फॉलो बोथ आर नॉट फॉलो। ठीक है, अगर मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कंक्लूज़न दिया हुआ है, ये कंक्लूज़न फर्स्ट आ गया, ये कंक्लूज़न सेकेंड आ गया। ठीक है, कंक्लूज़न फर्स्ट भी अगर गलत आता है, कंक्लूज़न सेकेंड भी अगर गलत आता है, तो मैं सबसे पहले ये देखूँगी ये दोनों जो हैं वो क्या है, आइदर और की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर कर रहे होंगे तो आइदर और, नहीं तो नाइदर और नॉर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, कर रहे होंगे तो आइदर और, नहीं कर रहे होंगे तो नाइदर नॉर। ठीक है, अब आइदर और को फॉलो कराने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन ये रही आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या लिखा हुआ, फर्स्ट कंडीशन फॉर आइदर और क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, दोनों कंक्लूज़न गलत होने चाहिए। ठीक है, बोथ कंक्लूज़न मस्ट बी रॉन्ग। जब भी कोई स्टेटमेंट लिखा हो उसके बाद कोई कंक्लूज़न लिखा हो तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि दोनों कंक्लूज़न हमारा गलत होना चाहिए। एक भी अगर सही आ गया दोनों में से तो आइदर और की कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ठीक है, दोनों कंक्लूज़न क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ये देख लिया, अब मैंने चेक किया, सबसे पहले स्टेटमेंट से मैंने इसको चेक कर लिया तो मेरा ये दोनों क्या हो गया, गलत आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दोनों गलत आ गया तो दूसरा क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स मस्ट बी सेम इन द कंक्लूज़न। ठीक है, कंक्लूज़न में क्या होना चाहिए, कैरेक्टर्स समान होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे ए और बी है तो यहाँ पे भी ए और बी होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए ए बी बी ए। ठीक है, पर कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ए बी इसमें है तो ए बी इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो आगे पीछे हो सकता है, पहले इसमें ए आ गया, इसमें क्या आ गया, बी आ गया, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, लेंगे, कैरेक्टर दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, तीसरा, दिस थ्री साइंस ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर। ठीक है, ये तीन साइंस क्या होना चाहिए, कंक्लूज़न में होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था मेरा, कि दोनों कंक्लूज़न क्या होना चाहिए, गलत हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या देखा, दोनों कंक्लूज़न गलत हो जाना चाहिए। अगर गलत मिल गया मुझे तो मैं क्या चेक करूँगी कि करेक्टर सेम है क्या, अगर करेक्टर सेम होंगे तो क्या देखूँगी, क्या ये तीनों साइन हैं क्या। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन ये रहा, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप लोगों को यहाँ पे, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ स्मॉलर इक्वल के, ये डी, उसके बाद एच। ठीक है, ये कंक्लूज़न लिखा हुआ, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, पहला कंक्लूज़न मैं क्या देख रही हूँ, बी क्या है, बड़ा है डी से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, बी से डी जाऊँगी, बी से सी गई, ये आ गया, सी से के गई, ये आ गया, मैंने देखा यहीं पे अपोजिशन हो गया तो मैं आगे चेक करूँगी या नहीं, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो गए, अपोजिट साइन मिल गए मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहला कंक्लूज़न गलत कर दूँगी। ठीक, अब दूसरा कंक्लूज़न मैं क्या देखूँगी, दूसरा क्या लिखा है, बी क्या है, छोटा है और बराबर है किसके, डी के। ठीक है, बी क्या है, छोटा है और बराबर है किसके, डी के। ठीक है,
बी से या फिर डी जाना है, फिर बी से सी गए, फिर सी से के गए, तो फिर ये साइन मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों गलत आ गए। अब क्या देखना है, मैंने देख लिया सबसे पहले गलत, अब मैं देखूँगी करेक्टर सेम है क्या, तो ये बी है, ये डी है। ठीक है, ये क्या है, बी है, ये डी है, ये भी बी है और ये भी डी है, तो बी डी इसमें भी है और बी डी इसमें भी है। ठीक है, तो करेक्टर है मतलब सेम, देख लिया मैंने। दूसरा, अब तीसरा मैं क्या चेक करूँगी कि क्या ये दोनों बरोबर, तीनों साइंस हैं इसमें, ये और ये तीनों साइंस चाहिए मुझे। एक साइन मुझे ये तो मिल गया, ये मुझे मिल गया। ठीक, और इसमें क्या बोल रहा है, स्मॉलर है और इक्वल है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पे ही बताया था कि जब भी हम इसका इनइक्वालिटी का चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें तीन साइंस हमारे बेसिक रहते हैं और इन दोनों को मिलाकर ये बनता है और इन दोनों को मिलाकर ये बनता है। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये वाला साइन, इसको और इसको मिलाकर। ठीक है, तो क्या हो गया, स्मॉलर और इक्वल, मतलब तीनों साइंस है मेरे। ठीक है, तीनों साइंस है मेरे, मतलब क्या है, ये आइदर और को फॉलो करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट का एक दूसरा हम कंक्लूज़न लेते हैं। ठीक है, ये रहा। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये लिखा हुआ है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ये के, ये डी और ये एच। अब इसमें बोल रहा है क्या, बी बड़ा है डी से और बी क्या है, छोटा है डी से। अब मैं क्या देखूँगी, सबसे पहले मैंने इसको चेक किया, बी और डी को, बी से मैं डी गई, ठीक, ये साइन और ये साइन, ये और ये आ गया, मतलब अपोजिट आ गया, मतलब गलत आ गया। फिर बी से डी गई, फिर बी से डी जाऊंगी तो फिर यही साइन मिलेंगे, तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगी, करेक्टर सेम है क्या, बी और डी इसमें भी है, बी और डी इसमें भी है। ठीक है, अब क्या देखना है, तीन साइन है क्या, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, एक साइन ये है और एक साइन ये है। ठीक है, ये और ये तो मिल रहे हैं, पर इक्वल मिल रहा है क्या, नहीं, तो ये आइदर और की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आइदर और की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये किसको फॉलो करेगा, नाइदर नॉर की कंडीशन को। ठीक है, आइदर और नहीं फॉलो कर रहा है, तो हमने देख लिया दोनों कंक्लूजन गलत है, आइदर और को फॉलो नहीं कर रहा है, तो अभी ये किसे फॉलो करेगा, नाइदर नॉर को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर रॉन्ग। ठीक है, दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है, या फिर नाइदर नॉर दिया रहेगा, ना ही पहला ना ही दूसरा। ठीक है, इतनी बातें आई समझ में। अब हम चलते हैं इसी स्टेटमेंट का तीसरा क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, ए बड़ा हो डी से और क्या हो, ए छोटा हो और बराबर हो डी के, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, अब आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं क्या लिखा है, सी छोटा बराबर के के, ये बड़ा है एच के। ठीक है, ए से डी जाना है, ए से बी गई मैं, ये मिला, बी से सी गई मैं, ये मिला, सी से के गई मैं, ये मिला। अब फिर मुझे अपोजिट मिल गया यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, रॉन्ग कर दूँगी, अपोजिट वाला गलत कर दिया मैंने। फिर ए से डी जाना है, तो वही फिर ए से बी गई ये मिला, ए से सी गई ये मिला, फिर सी से के गई तो फिर ये मिल गया, फिर दोनों अपोजिट साइन मिल गया, तो ये फिर गलत हो गया। ठीक, अब मैं क्या चेक करूँगी, दोनों करेक्टर सेम है क्या, ए और डी, ए और डी, हाँ सेम है, सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम है तो क्या चेक करेंगे अब, कि तीनों साइन है क्या, तो एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, मतलब ये और ये तीनों साइंस हैं, मतलब क्या है, ये इधर और की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आई बात समझ में। अब चलते हैं हम इसी स्टेटमेंट के एक और क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिख लिया ए बी सी, ये के, ये डी और ये एच। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बी बड़ा है बरोबर है एच के, बी छोटा है बरोबर है एच के। ठीक है, ये पहला कंक्लूज़न हो गया, ये दूसरा कंक्लूज़न हो गया। अब मुझे जाना है बी से एच की तरफ, बी से सी, सी से के से डी, डी से एच। अब मैं जब यहाँ से यहाँ गई तो ये साइन मिल गया, फिर यहाँ से यहाँ गई तो ये साइन मिल गया। अब ये दोनों क्या आ गए, अपोजिट आ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बी से एच ही जाना है, तो ये भी गलत आ गया। ठीक है, अब करेक्टर सेम है क्या, बी एच, बी एच सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, बी एच, बी एच जब सेम है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि तीनों साइंस हैं क्या। तो अब मैं यहाँ पर क्या देख सकती हूँ, मुझे यहाँ पर दो साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। मैंने बताया ये कहाँ से बनता है, इससे और इससे, और ये कैसे बनता है, इससे और इससे। ठीक है, इतनी बताई समझ में, ये दिख रहा है मुझे, ऐसे ऐसे बनाइए। अब क्या होगा, इसमें ग्रेटर मिल गया, स्मॉलर मिल गया और दोनों में इक्वल है, मतलब तीनों साइन मुझे मिल गया, तो ये फॉलो करेगा क्या, तो हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट का एक और कंक्लूज़न लेते हैं हम।
ये दिख रहा है मुझे, ए बड़ा है बराबर है एच के, ए छोटा है के के, ठीक है। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा। और स्टेटमेंट दिया हुआ है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी छोटा है बराबर है के छोटा है बराबर है डी के, डी बड़ा है एच से, ठीक है। अब मुझे जाना है ए से एच, ए से एच जाऊंगी मैं, एच ये रहा ए ये रहा, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख गया, फिर अपोजिट साइन मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा गलत। फिर ए से के जाऊंगी, ए से बी, बी से सी, सी से के, फिर ये अपोजिट साइन मिल गया, तो ये भी गलत पहला आ गया। अब फिर दूसरा मुझे क्या चेक करना था, करेक्टर सेम है क्या, ए एच और ए और के आ रहा है, ठीक है, ए एच और ए और के आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पे एच है और यहाँ पे के है, तो करेक्टर सेम है क्या, नहीं, तो ये आइदर और की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा नाइदर नॉर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा नाइदर नॉर या फिर बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, ठीक है, नॉट फॉलो, ठीक है। तो चलिए अब ये तो हुआ सिंपल हमारा एक लेवल का, अब इससे हम चलते हैं इससे एक लेवल ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये नया स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एल क्या है बड़ा है बरोबर है एम के, एम बड़ा है एच से, एस छोटा है यू के, यू छोटा है बरोबर है आर के, आर बराबर पी, ठीक। अब पहला कंक्लूजन इस पर क्या लिखा हुआ है, एल बड़ा है यू से, दूसरा कंक्लूजन लिखा है यू बड़ा है बरोबर है एल के, ठीक। अब मुझे जाना है एल से यू, एल से एम गई मैं, एम से एच गई मैं, ये साइन मिला, ये साइन मिला, उसके बाद एच से यू गई मैं, तो ये साइन मिल गया। अब क्या आ गए अपोजिट, तो ये क्या गया गलत, ठीक है। अब जाना है मुझे यू से एल की तरफ, अब यू से एल जाऊंगी मतलब यहाँ से यहाँ जाऊंगी, साइन बदलते जाएंगे, ठीक है। ये साइन है तो ये आ गया, ये साइन है तो ये आ गया, अब फिर क्या हो गए अपोजिट हो गए दोनों, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइन मिल गया मतलब ये क्या हो गया गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या देखूंगी मैं, करेक्टर सेम है तो मैं देख सकती हूँ पहले कंक्लूजन में एल और यू है, दूसरे में यू और एल है, मतलब एल यू और यू एल दोनों मिल रहे हैं मुझे, एल यू और यू एल, मैंने बोला था आगे पीछे हो सकते हैं, तो एल भी है, एल भी है, यू भी है और यू भी है, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अभी क्या चेक करूँगी, एल यू हो गया, उसके बाद क्या चेक करूँगी कि तीनों साइन हैं क्या। अब मैं पहले कंक्लूजन में देख सकती हूँ एल क्या है बड़ा है यू से, ठीक है, एल क्या है बड़ा है यू से, तो एक मिल गया एल की तरफ बड़ा, ठीक, दूसरा यू क्या है बड़ा है बराबर है एल के। अब हम ऐसे नहीं देखेंगे कि इसमें तो सिर्फ दो ही साइन मिल रहे हैं, एक बड़ा का एक बड़ा और बराबर का, ये नहीं देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि ग्रेटर जो है वो कौन ग्रेटर है और स्मॉलर जो है वो कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। मैंने देखा एक बार क्या है एल क्या है बड़ा है यू से, ठीक है, एक मुझे ये साइन मिल गया, दूसरा मैंने देखा यू क्या है बड़ा है और बराबर है एल के, एक बार एल बड़ा था यू से, अब एल क्या है छोटा आ रहा है, ठीक है, एल की तरफ छोटा का साइन है, तो एल क्या है छोटा है, एक बार आ गया छोटा और क्या है बराबर है, तो मैंने ले लिया बराबर, ठीक है। ये आया समझ में, ये कैसे आया, मैंने देखा पहले कंक्लूजन में एल बड़ा है यू से, दूसरे कंक्लूजन में क्या है एल छोटा है और बराबर, क्या हो जाएगा दोनों कंक्लूजन गलत आ रहे हैं और सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, तीनों साइन दिए हुए हैं, करेक्टर भी सेम है, तो हम क्या करेंगे इसका आंसर क्या लगाएंगे आइदर और, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, एल बड़ा है आर से और एल छोटा है बराबर है पी के, ठीक है। अब ये पहला दिख गया मुझे, ये दूसरा दिख गया मुझे, अब क्या करूँगी मैं इसे लिख लेती हूँ एक बार स्टेटमेंट को, ठीक है, या गया यू या गया आर या गया पी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मुझे कहाँ जाना है, एल से आर, मैंने देखा एल से एम, एम से एच, यहाँ तक की तो बात बिल्कुल सही चल रही, सेम सेम साइन है, एच से यू गई तो अपोजिट मिल गया इनके, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। फिर पी तक का पहुँचना है मुझे, आर ये रहा पी रहा ये रहा, तो वापस से ऐसे ही जाऊँगी तो वापस से मुझे ऐसे ही साइन मिल जाएगा, तो ये भी क्या आ गया गलत आ गया, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में, मैंने देख लिया दोनों कंक्लूजन गलत है, अब मुझे क्या करना है, जैसे ही गलत आए मैं चलूँगी आइदर और चेक करने, मैंने देखा ये क्या है सेम है क्या, करेक्टर सेम है क्या, तो एल एल दोनों में एक में दिख रहा है मुझे आर, एक में दिख रहा है पी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, क्या ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट दिया हुआ है हमारा स्टेटमेंट में, क्या दिया हुआ है आर क्या है बराबर है पी के, देख सकते हैं आप एल बड़ा है बराबर है एम के, एम बड़ा है एच के, एच छोटा है यू से, यू छोटा है आर से और आर बराबर है पी के, ठीक है। मतलब मैं आर की जगह पी लिखूं चाहे पी की जगह आर लिखूं, दोनों क्या है बराबर हैं, तो यहाँ पे आर
आर बराबर पी लिखो चाहे पी बराबर आर लिखो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बरोबर है, मतलब क्या है, कंडीशन फॉलो कर रही है, क्या करेक्टर सेम है, आर और पी बरोबर है और पी और आर बरोबर है, मतलब ये क्या है, कंडीशन फॉलो कर रही है, दोनों करेक्टर क्या है, सेम है। सेम कैसे आ गया, अब ये तो मैडम आर दिख रहा है, ये तो पी दिख रहा है, पर क्या है, आर बराबर है पी की और पी बराबर है आर के, मतलब मैं आर की जगह पे पी लिखूँ या पी की जगह पे आर लिखूँ, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो करेक्टर भी क्या है, सेम है, ठीक है। अब तीसरा क्या चेक करूँगी, तीनों साइन है कि एल की तरफ एक बार बड़ा है एक बार छोटा है और ये बराबर है, मतलब तीनों साइन मिल रहे हैं मुझे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आइदर और, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे कंक्लूज़न की तरफ, ये रहा, एक क्या दिया हुआ, एच बड़ा है बरोबर है एल की और एक एच छोटा है एल की, ठीक है। अब कुछ होशियार बच्चे क्या करते हैं, इसे देखेंगे कि हाँ एल और एच सेम है, एच और एल सेम है, एच की तरफ एक बार बड़ा है एच की तरफ एक बार छोटा है और ये बरोबर है, मतलब आइधर और तो लगेगा ही लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, पहले आइदर और के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि दोनों गलत होना चाहिए, एक भी सही हो गया तो आगे वाले हमें करेक्टर सेम होने से मतलब नहीं है, हमें तीनों साइन होने से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले चेक करूँगी कि क्या करेक्टर सेम है, तो कैसे चेक करेंगे, एल से हम एच से हमें कहाँ जाना है, एल की तरफ जाना है, ठीक है। कहाँ जाएंगे, एच से हम एल, ये रहा एच ये रहा एल, ठीक है, ये गई मैं ये गई मैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई तो ग्रेटर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर इक्वल का क्या हो जाएगा, स्मॉलर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अपोजिशन दिखा क्या, नहीं दिखा, मुझे अपोजिशन दिखा क्या, नहीं दिखा, मतलब ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आगे चेक करती हूँ, हो सकता है गलत हो, पर अपोजिशन नहीं है अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है, हो सकता है गलत हो, मैं अभी नहीं बोल सकती। अब मैं क्या करूँगी, एच से एल जाना है, मुझे साइन क्या मिल गया, स्मॉलर का, ठीक है, मुझे साइन किसका मिल गया, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये, तो मैं क्या लूँगी, स्मॉलर, कोई स्मॉलर है क्या, नहीं, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं दूसरे साइन को चेक करूँगी, कहाँ जाना है, एच से एल जाना है मुझे, एच से एल, एच से एम गई तो ये मिला, अपोजिट कर देते हैं क्योंकि हम वापस उसी रास्ते मुड़ रहे हैं, एम से एल गई तो ये मिला, ठीक है। अभी क्या करूँगी मैं इसे, ये मिला मुझे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, स्मॉलर, तो स्मॉलर आना चाहिए, है क्या, है, मतलब ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो अब क्या आया, मेरा पहला गलत आ गया और दूसरा क्या आ गया, सही आ गया, तो इसमें आइदर और फॉलो करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक गलत है दूसरा सही है, और अब मेरे आइदर और के लिए क्या चाहिए, मुझे दोनों गलत चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले आप ये चेक करें कि दोनों गलत होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये दोनों सेम करेक्टर मिल गए, ये तीनों साइन मिल गए, नहीं, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, दोनों गलत होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे कंक्लूजन की तरफ, क्या लिखा है, एच क्या है, बड़ा है बरोबर है एस के, ये मेरा पहला कंक्लूज़न। दूसरा कंक्लूज़न लिखा है एच छोटा है बराबर है एस से। अब मैं स्टेटमेंट में देख सकती हूँ एच लिखा हुआ है पर एस है क्या कहीं पे, नहीं, तो मैं ये बता सकती हूँ कि एच बड़ा है कि एच छोटा है, नहीं बता सकती, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। वैसे ही एच और एस इसमें भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब मैं देखूँगी क्या दोनों कैरेक्टर सेम है, तो हाँ सेम है, एच एस दोनों में है, ठीक है। अब साइन देखेंगे क्या है, तीनों साइन है, तो मैं देख सकती हूँ बिल्कुल है, बड़ा है छोटा है और बराबर है, तो ये क्या है, आइदर और की तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब आइदर और इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसी तरीके के एक और क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, एक्स बड़ा है बराबर है वाई की, एक्स छोटा है वाई के, ठीक है, ये पहला कंक्लूज़न हो गया, ये दूसरा कंक्लूज़न हो गया। अब क्वेश्चन में तो कहीं पे स्टेटमेंट में एक्स और वाई दिया है क्या, नहीं दिया, तो हम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। अब मैंने देखा एक बार एक्स बड़ा है एक बार एक्स क्या है छोटा है, मतलब तीनों साइन मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, और एक्स और वाई तो है ही, तो ये भी क्या करेगा, आइदर और की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आइदर और, ठीक है। आइदर और के मैंने आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब एक आता है, ये तो तीन साइन वाले हो गए, एक तीन साइन वाला आता है और एक क्या रहता है, दो साइन वाला रहता है, तो तीन साइन वाले तो हमने पढ़ लिए, अब बचा कौन सा, दो साइन वाला, ठीक है। ये दो साइन वाला मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये दो साइन वाला हम कल पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, नॉट इक्वल वाले कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है।
दो साइन वाले आइदर और को पढ़ेंगे हम कल, और नॉट इक्वल वाले साइन को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने जो क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है वो आप लोग जरूर समझोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। मैंने अपने तरीके से बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेशन को एंड अप करते हैं, कल हम ये दो चिन्ह वाले पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम एंड अप करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।